पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगती ये लड़कियां बिहार के एक नामी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि एक डॉक्टर को जो किट कोरोना संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए चाहिए वो इन्हें नहीं मिल रहा, वो बिना उचित किट के ही इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए मजबूर है। अपनी इस मजबूरी और दयनीय स्थिति को उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत लड़कियां देशभक्ति के गीत गाते हुए करती हैं, खर चले हम फदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिसके बाद ये अपना दर्द बयां कर रही हैं। हम फिदा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। We are doctors from Bihar, from one of the most reputed medical college. And when we asked our college authority, hospital authority regarding the PPE kit to fight against coronavirus, we are right now doing emergency duty. And we were told that you people don't need PPE kits because we are working in gynae department. So in gynae department, coronavirus attack is not going to occur. And when these residents, they asked for PPE kit, and when I asked for PPE kit, we were provided with these transparent kits just as placebo so that we may keep our mouths shut and work in emergency department without any complaint. We all know that corona has entered its stage, and even though we don't have PPE kit, if we get infected then we can spread too widely. So please avail and please provide and PPE. And from us, it's not so that we are going to get infected and other are going to be spared. Because from us, we will be acting as an epicenter and we will be spreading it to the whole society. So we don't need any type of incentives or any tali or any thali or not even any praise. So we need our PPE kit for protection of our family, for protection of our health worker. So we are facing a war. And protection of this society also. Yeah, yeah, sir. So we are facing a war that we have no weapon. We don't have any weapon to face the war. Sir, hum log aise sainik hain jo is war mein bina hathiyar ke lad rahe hain. हमें आपकी सहानुभूति से ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है सर, प्लीज हमें पीपीई किट प्रोवाइड करें। एक सैनिटाइजर, हैंड वॉश, हमारे पास बेसिक सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, मास्क अवेलेबल नहीं है, हम लोगों के N95 मास्क अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। बहुत बहुत दयनीय स्थिति है हमारी और इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प अस। इनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाने के लिए तेजस्वी यादव ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, देश को 56 सांसद देने वाले बिहार का इतना बुरा हाल है कि डॉक्टर्स को वीडियो बनाकर मदद की गुहार करनी पड़ रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टरों को जांच उपचार के लिए उचित उपकरण मुहैया कराकर कृपया 12 करोड़ बिहारियों को बचा लीजिए। अच्छी मेडिकल सुविधाओं वाले अमेरिका और इटली जैसे देशों में कोरोना बेकाबू हो गया है, जबकि ये देश भारत से कहीं ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। बिहार सरकार ने अगर कोरोना की जांच और जरूरी उपकरणों को नहीं बढ़ाया तो यहाँ पर हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेंगे। अभी तक कोरोना का कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है, ऐसे में डॉक्टर दिन रात काम करके मरीजों को ठीक करने में लगे हैं, तो सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उनको जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।